हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास नाइन्थ वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर वन नंबर सिस्टम, और ये है पार्ट वन। जो भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एक मैथ्स की सेपरेट नोटबुक होगी, साथ में आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की पेन होगा और आपके पास एक एनसीईआरटी की मैथ्स की टेक्स्ट बुक होगी। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी के लेफ्ट मतलब टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पर डेट लिखेंगे कि कब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन का डेट होना चाहिए। कौन सा डे है उस दिन वो आप मेंशन करेंगे कॉपी में, और किस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको उठना नहीं है। जब जितने भी मिनट का ये वीडियो बनता है उतना मिनट आपको अपने जगह में बैठे रहना है। तो आप टाइम लिखेंगे कितने बजे आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया और आपने लिखना शुरू किया, वो टाइमिंग यहां मेंशन होना चाहिए। और उस कॉपी में टॉप में ऐसी नाइन्थ क्लास बोर्ड सीबीएसई मैथ्स चैप्टर वन नंबर सिस्टम और पार्ट वन मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये पूरा आपके कॉपी में पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए। क्लियर है? कॉपी जितनी सिस्टमैटिक होगी आपको पढ़ने में उतनी ही आसानी होगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे। ये नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है सबसे पहले नेचुरल नंबर से। सबसे पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन होता है ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? डेफिनेशन क्या है नेचुरल नंबर्स का, डेफिनेशन क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर, जिसको आप काउंट करते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में आपके क्लास नाइन्थ में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास नाइन्थ ऑफ एनी स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि उसको आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? हाउ मेनी पेन्स आर यू यूजिंग, आप कितने पेन्स यूज करते हैं, ये भी नेचुरल नंबर्स में आएंगे क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हैं। आप कितने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ये भी आप काउंट कर सकते हैं, तो ये भी नेचुरल नंबर्स में आएंगे। तो ऐसे नंबर्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? सो मींस ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? अब नेचुरल नंबर्स आर इंडिकेटेड बाय, यहां लिखेंगे आप नेचुरल नंबर्स आर इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन। मतलब मैथमेटिक्स में
नेचुरल नंबर्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल N से। सो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 100। क्लियर है? तो मींस नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं और कैपिटल N इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 100। ये नेचुरल नंबर्स हो गए। क्लियर हुआ? समझ में आया? आप वीडियो बार बार देखेंगे, जब तक नहीं समझ आया तब तक देखेंगे, और कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर अपना फीडबैक देंगे कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया नेचुरल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट है होल नंबर्स क्या होता है। अगला कॉन्सेप्ट है होल नंबर्स क्या होता है। आप पहले वीडियो देखने के बाद समझेंगे, समझ के बाद लिखेंगे आप। कई क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझते कम है लिखते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ये आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले आपको समझना है ध्यान से कि प्रमोद सर क्या बता रहे हैं, समझने के बाद आपको फिर लिखना है। क्लियर हुआ? चलिए तो होल नंबर्स अपन स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स क्या होता है, तो लिखेंगे यहां पर 0 together with नेचुरल नंबर्स, 0 together with natural numbers form, 0 together with natural numbers form whole numbers। क्लियर है? मीन्स जीरो और नेचुरल नंबर को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमको क्या मिलता है, होल नंबर्स मिलता है। तो लिखेंगे यहां पर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल द होल नंबर्स आर इंडिकेटेड, आर इंडिकेटेड बाई कैपिटल W। मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी होल नंबर्स होते हैं उसको हम कैपिटल W अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं। सो कैपिटल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 100। क्लियर है? मैं क्या बोला था, 0 एंड नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर के यहां तक नेचुरल नंबर में काउंटिंग हो रहे हैं, और 0 तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इन सब को मिला करके हम क्या फॉर्म करते हैं, होल नंबर्स फॉर्म करते हैं। तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मैंने क्या बताया, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप फ्री महसूस कीजिए। क्लियर है? आप फील फ्री टू आस्क वेयर एनी डाउट्स। आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप फ्रीली हमसे डाउट अपना शेयर कीजिए, हम बिल्कुल उस डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर्स समझ में आ गया। अब इसको रब करके हम अगला कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स। ये हो गया नेचुरल नंबर्स, ये हो गया होल नंबर्स। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होता है। व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। क्लियर है?
तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 0 कॉमा 0 नंबर्स एंड ध्यान से आप समझेंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 0 नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी पूछता है कि आप इंटीजर से क्या समझते हैं, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 0 नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगला कॉन्सेप्ट लिखूंगा, ऑल इंटीजर्स आर इंडिकेटेड बाय आई और जेड। किसी भी कुछ बुक्स में कैपिटल आई इंडिकेट किया गया है इंटीजर्स का मतलब, और किसी किसी बुक्स में कैपिटल जेड इंडिकेट किया गया है इंटीजर्स को इंडिकेट करने के लिए। तो कैपिटल आई का मतलब भी इंटीजर्स होता है, कैपिटल जेड का मतलब भी इंटीजर्स होता है। समझ में आ गया? तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, सो हम आई या फिर जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मैंने क्या बोला, 0 कॉमा, फिर मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन कॉमा, ये पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद में क्या बोला, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1 कॉमा, 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2 कॉमा, 3 का नेगेटिव क्या होगा, -3, 4 का नेगेटिव क्या होगा, -4, 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5। तो इस तरीके से 0 नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये पूरा जो कलेक्शन अपने पास आया, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं या कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? अब इसी को हम अगले स्टेप में इज इक्वल टू करके रीअरेंज के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे रीअरेंज के फॉर्म में लिखते हैं? आप मिडिल में यहां लिख देंगे 0, 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी प्लस वाले नंबर है नेचुरल नंबर्स वो लिख देते हैं ऐसा, ये प्लस इनफिनिटी तक जाएगा, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, ये पूरा माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। तो ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम कैपिटल आई ऊपर में प्लस ऑब्लिक या कैपिटल जेड ऊपर में प्लस इससे इंडिकेट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम आई प्लस या जेड प्लस से इंडिकेट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स, सो नेगेटिव इंटीजर्स को हम आई माइनस ऊपर में माइनस ऑब्लिक या फिर जेड माइनस ऊपर में उससे इंडिकेट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब आई माइनस या जेड माइनस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने क्या बताया, वाटर इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है? तो अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, क्लियर है? नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, जितने बार पूछेंगे उतने बार हम डाउट क्लियर करेंगे आपका। क्लियर है?
तो पॉजिटिव इंटीजर्स मींस आई प्लस या फिर जेड प्लस इज इक्वल टू होता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू ये पूरा जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी का साइन होता है, क्लियर है। और नेगेटिव इंटीजर्स में आई माइनस या जेड माइनस, सो ये कहां तक जाता है, ये जाता है -1, -2, -3, -4, -5 ये जाता है पूरा माइनस इंफिनिटी तक, यहां इंफिनिटी के आगे मैंने माइनस साइन लिखा है, समझ में आ गया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, एक चीज आप याद रखेंगे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, ये आप याद रखेंगे। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, समझ में आ गया। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अगर आपको कोई भी पूछता है कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब इंटीजर्स के बाद जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, किसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। सो फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूं, यहां लिखेंगे अ नंबर इज सेट टू बी फ्रैक्शन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर, अब यहां पर ध्यान समझिएगा, अ नंबर इज सेट टू बी फ्रैक्शन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, पी बिलोंग्स टू होल नंबर कॉमा क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, याद है, समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि p होल नंबर होना चाहिए और q नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब आप क्या समझे कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर है, क्योंकि q को मैंने क्या माना है, q को मैंने माना है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आपको मैं समझाया हूं, तो मींस कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखें, p क्या होना चाहिए, होल नंबर, मतलब p 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और q कभी 0 नहीं होगा, q क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो मींस a इज इक्वल टू p by q, जहां पर p बिलोंग्स टू मैंने बोला है होल नंबर और q belongs to natural number, तो it is the symbolic definition of any fraction, समझ में आ गया। इसका कुछ examples में लिख दे रहा हूं, examples क्या क्या है fractions के, जैसे है 2/3, 3/5, 6/5 इसको आप लिख सकते हो 5
ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा और न्यूमरेटर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता है। हाँ, यह है कि यहां जीरो हो सकता है, क्लियर है, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है फ्रैक्शन का, क्लियर है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। तो समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या होता है, क्लियर है, इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पूरा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो उस समय अपनी कॉपी से आप रिवाइज करेंगे, क्लियर है। उसके पहले आपको जितनी बार ये वीडियो देखना है आप वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम के समय जब आपको रिवीजन करना होगा तो उस समय सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके द्वारा जो लिखा गया नोट्स है उस नोट्स से आपको रिवाइज करना है, क्लियर हुआ। तो नोट्स प्रॉपर तरीके से आप लोग बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको नोट बनाना है, समझ में आ गया। चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूं फ्रैक्शंस को। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर्स। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल, रेशनल नंबर्स। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया, तो अगला जो कॉन्सेप्ट क्या है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अ नंबर इज सेट टू बी रेशनल, अ नंबर इज सेट टू बी रेशनल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर p belongs to integer, comma q belongs to integer, comma q is not equal to zero। इसको बोलते हैं p belongs to, ये जो सिंबल है ना, ये कैसे है, ये ऐसा, इस तरीके से, ये ऐसा लिखना है आपको, ऐसा लिख दिए और ये सिंबल बना दिए, तो ये होता है belongs to का सिंबल। so small p belongs to integer, small q belongs to integer and q is not equal to zero, समझ में आ गया। means एक और चीज बता दे रहा हूं, all the rational numbers are indicated by capital q। mathematics में कैपिटल क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। सो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे स्मॉल पी बाई स्मॉल क्यू, वेयर स्मॉल पी बिलोंग्स टू इंटीजर, स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। सो अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, q is equal to क्या हो सकता है, जैसे -2 by 3, -2 by -3, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहां पर देखिए -2 is an integer, 3 is integer, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, किसी ने भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, 3 is integer, -3 is integer, 3 is integer, -3 is integer, -2 is integer, 2 is integer, 2 is integer, -2 is integer, लेकिन यहां पर
न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, मींस जीरो बाई फोर, जीरो बाई फोर इज अ रेशनल नंबर, कॉमा जीरो बाई माइनस फोर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखें, जहां पर p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ऑल द रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल q, इसको हम कैपिटल q से इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये हो गया रेशनल नंबर्स। हाँ, अब उसके बाद इसका आखिरी जो कॉन्सेप्ट है ये है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इरेशनल, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अ नंबर इज सेट टू बी इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी, इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, where p belongs to integer, q belongs to integer and q is not equal to zero. तो मैं क्या बोला, यहां पर क्या लिखवाया हूं मैं, a number is said to be irrational, किसी भी number को हम irrational बोलते हैं। कब irrational बोलते हैं, जब उसको हम if it cannot be expressed, जब वो उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, where p belongs to integer, q belongs to integer and q is not equal to zero। समझ में आ गया, all the irrational numbers are denoted by q dash। याद रखेंगे आप, मैथमेटिक्स में q dash का मतलब होता है क्या होता है, irrational numbers होता है। किसी किसी बुक में कैपिटल टी भी इंडिकेट किया गया है, मींस कैपिटल टी और कैपिटल क्यू डैश दोनों का मतलब इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो एग्जांपल के लिए इरेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो मतलब जैसे कि स्क्वायर रूट, मतलब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ टू, बिकॉज 2 is not a perfect square, तो जो perfect square नहीं है ना उसका root निकालेंगे ना तो वो irrational number आएगा। Similarly, root 3 is irrational number, root 5 is irrational number, root 6 is irrational number। समझ में आ रहा है, means कोई जो perfect square नहीं है उसका जब आप root निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। उसी तरीके से जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे क्यूब रूट ऑफ टू, जैसे क्यूब रूट ऑफ टू, टू इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ थ्री, क्यूब रूट ऑफ फोर, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि परफेक्ट क्यूब, मतलब ये सब क्या है, टू इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये सब क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। 3 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो 3 का क्यूब रूट निकालेंगे आप तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 4 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि ऐसे परफेक्ट, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका जब आप रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है?
तो इसके बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, और इन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सब में आपस में और क्या रिलेशनशिप है, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स पढ़ा, व्हाट आर होल नंबर्स पढ़ा, व्हाट आर इंटीजर्स पढ़ा, व्हाट आर फ्रैक्शंस पढ़ा, व्हाट आर रेशनल नंबर्स पढ़ा, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स पढ़ा। क्लियर है? तो ये सब चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप समझेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, लिखना है, और कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिखेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें और आने वाले वीडियो को हम और बेहतर तरीके से बना सकें आप लोगों के लिए। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा, और कुछ भी कमी बेसी होगा तो बिल्कुल आप उसको शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उसको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर आप क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें क्लास 9 के लिए तो वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्लियर है? सो मैं यही कहना चाहूंगा कि खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए। क्लियर है? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।